हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं डिश न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे डिलोस का एक सेटअप बॉक्स है 3015 DLX, जिसकी अनबॉक्सिंग हमने लास्ट टाइम दी थी। उसकी अनबॉक्सिंग अभी तक आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से चेक कर लीजिए, जहाँ पर आपको सबसे सस्ते सेटअप बॉक्स की कम्प्लीट डिटेल मिल जाएगी। जिसकी वीडियो देखने के बाद बहुत से कमेंट आए कि इसमें चैनल को मूव कैसे करें, यानी अगर हमें अपनी कैटेगरी के अनुसार चैनल को इधर उधर करना है तो उसको किस प्रकार सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मेन्यू का बटन प्रेस कर लेना है। मेन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें हमें राइट साइड में अपने रिमोट से चैनल पर आ जाना है। यहाँ सबसे पहला ऑप्शन टीवी चैनल लिस्ट नज़र आएगा, इसे ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद सबसे पहले आपको ऊपर 5 ऑप्शन नज़र आएंगे, जिसमें ब्लू बटन एडिट के लिए, येलो बटन मूव के लिए, ग्रीन बटन स्किप और रेड बटन लॉक के लिए, और एक है सिल्वर कलर का फेवरेट का, जो कि आपके रिमोट में FAV5 का बटन दिया हुआ है, उससे ऑपरेट कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगा कि चैनल्स को मूव कैसे करते हैं। सबसे पहले रिमोट से येलो बटन प्रेस कर लेना है। जैसे ही येलो बटन प्रेस करेंगे तो ये मूव का जो बटन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अब आपको चैनल जो भी मूव करने हैं, अब जैसे हम अपने जितने भी न्यूज़ के चैनल हैं वो स्टार्टिंग में रखना चाहते हैं, स्टार्टिंग में जी के कुछ न्यूज़ के चैनल हैं, बाकी जो न्यूज़ के चैनल हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। अब मैं एक दो चैनल को आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर आज तक तेज है, इसको ओके कर देंगे तो एक एरो नज़र आ जाएगा। एरो का निशान जिस चैनल पर भी आप लगा देंगे वही चैनल मूव हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक चैनल को मूव करके दिखाता हूँ। अब आपको जहाँ पर ये चैनल लेकर जाना है वहाँ पर पहले पहुँच जाएं। जैसे कि मैं इसे 4 नंबर पर लाना चाहता हूँ तो 4 नंबर पर आ जाइए और रिमोट में दिए गए होम बटन को प्रेस कर दीजिए। तो अब ये 4 नंबर पर शिफ्ट हो चुका है, देख सकते हैं 4 नंबर पर आ गया। अब यदि दूसरे चैनल को यहाँ पर मूव करना है तो इसके साइड में जो एरो लगा हुआ है ओके का बटन प्रेस कर दीजिए, वो हट जाएगा, वो हटाना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसे ही दूसरे चैनल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ और न्यूज़ के चैनल ले लेता हूँ। यहाँ पर है NDTV इंडिया, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे है News18, फिर उसके बाद है जी हिंदुस्तान, India TV, News Nation, इस प्रकार मैं कुछ चैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सभी के सभी सिलेक्ट कर लिए। अब जहाँ पर मुझे इन्हें रखना है तो वहाँ पर जाकर हम क्या करेंगे, होम का बटन प्रेस कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ इन्हें 4 के बाद ले आऊँ, तो यहाँ पर 4 पर आकर होम का बटन प्रेस कर देना है। जैसे ही होम का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे चैनल यहाँ आ जाएंगे, देख सकते हैं हमारे सभी ये चैनल यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस प्रकार आप कोई भी चैनल को मूव कर सकते हैं। अगर इनके अलावा और करना चाहते हैं तो पहले यहाँ से इन एरो को हटा दीजिए, तभी जाकर ये मूव होंगे। अब दूसरे चैनल को ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना है और अपनी मनपसंद जगह पर रख दीजिए, तो आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं एग्ज़िट का बटन प्रेस करूँगा तो ये मुझसे पूछेगा कि ये सेव करना है, तो यस कर दीजिए। जैसे ही ये सेव हो जाएगा तो आपकी ये सेटिंग हो चुकी है कम्प्लीट। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल्स इस प्रकार आ चुके हैं। तो ये थी सिंपल सेटिंग। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करना ना भूलिए। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।